हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यूके प्रेस की भर्ती परीक्षा लीक को लेकर न्यू अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था पहले कि एसटीएफ को यहाँ पर जो है आदेश जारी कर दिए गए हैं कि कोई भी भर्ती लीक को लेकर जो है सार्वजनिक ना करें इसको लेकर। तो फिर भी यहाँ पर जो है बेरोजगार संघ के द्वारा जो खुलासे किए गए हैं उसके आधार पर हम बता रहे हैं यहाँ पर कितने लोग अब तक यहाँ पकड़े गए हैं। और यहाँ पर जो है धांधली को लेकर अगर बात करें तो यहाँ पर देखते हैं बीबीडीओ बीडीओ भर्ती में जो है पकड़े गए उनके सार्वजनिक यहाँ पर जो है जो बेरोजगार संगठन है उनके द्वारा यहाँ पर जो है किया गया है। इसमें बताया गया कि जो 37 की गिरफ्तारी हो रखी है संजीव कुमार चौहान के नाम से हो रखी है, जो कि आरएमएस कंपनी का मालिक राजेश चौहान का भाई बताया जा रहा है, ठीक है। और 38 जो गिरफ्तारी हो रखी है अजीत कुमार के रूप में यहाँ पर हुई है, बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है इन्होंने विभिन्न स्थानों पर जो है दर्जनों लोगों को यहाँ पर जो है पेपर सॉल्व कराया था, ठीक है। तो अब तक कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब यहाँ पर एसटीएफ ने भी जो है सार्वजनिक नाम करने बंद कर दिए गए हैं, तो इस आधार पर थोड़ा दिक्कत हो रहा है। और साथ में यहाँ पर जो है जो अभ्यर्थी थे नकल जी, उनके नाम भी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। और कई लोग के द्वारा प्रयास तो किया जा रहा है कि उनके नाम सार्वजनिक करने को लेकर, फिर भी यहाँ पर जो है उनके नाम सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। और बाकी भर्तियों को लेकर आपको क्या अपडेट है आपको पता ही है, मुख्यमंत्री ने क्या क्या फैसले ले रखे हैं उनको आपको अच्छे से पता ही है। और फिलहाल जो है भर्तियों पर 5 भर्ती रद्द कर दी गई हैं जिनका यहाँ पर जो है धांधली को लेकर कोई अपडेट नहीं था, और जिन पर अपडेट हैं उनकी अभी नहीं करने की बात कही गई। आप लोगों ने कल मॉर्निंग आज मॉर्निंग में देखा होगा, और जो वीडियो भी वीडियो है या बंद दरोगा है या अन्य पोस्ट हैं उनकी भर्तियाँ जो है आपकी रद्द नहीं की जाएंगी सीएम के आदेश के अनुसार।